अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर हम जो है फुल्की और प्याज और चटनी बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं ये। आज हमने ये खाई और आज हम इशाल की नानों के घर पर गए, यानी कि मेरी अम्मी जान के घर पर, और हम सब बहन भाई बैठे हुए बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ अम्मी जान बना रही हैं मज़ेदार सी बिरयानी, और मसाला जो है वो दूसरे पतीले में भूनेंगी, अच्छे से भुनाई करेंगी। और अम्मी जान बना रही हैं तवे वाली बिरयानी। तवे वाली बिरयानी का जो मसाला था वो सब गोश्त जो था वो गल गया। गलाने के बाद अम्मी ने पतीला जो है वो दूसरे पतीले में शिफ्ट कर दिया मसाला, और फिर उसको अच्छे से भुनाई करी। और जो ये बड़ा पतीला, इसी में अम्मी जान ने जो है चावल जो है बॉईल करके इसी में दम लगा दिए थे। और यहाँ हम अम्मी के साथ खड़े हुए थे, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, वो भी मैरिड है वो, और मैं, हम दोनों आज अम्मी के घर गए थे। और हम लोगों ने आज खाना वहीं खाया और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया अम्मी के घर पे। और हम सब बहन भाइयों को और अब्बू जान को अम्मी जान के यहाँ के खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे मियाँ जी को भी बहुत पसंद है, और जो मेरी छोटी सिस्टर है उनके हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अच्छा जी, यहाँ मसाला अच्छे से भुन रहा है, और मैं और अम्मी और मेरी सिस्टर जो है वो अम्मी के हम लोग साथ थे। और यहाँ अम्मी जान का जो तरीका है वो देख रहे थे, और बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी, बहुत मज़ेदार। यहाँ पर मज़ेदार सी बिरयानी जो है बन चुकी है। अच्छा, हम लोग जो है ना सब सहन में बैठकर दस्तखान लगता है बड़ा सा, और वहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर अम्मी जान हम और खाना हमने खा लिया था, बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी। और अम्मी जान का हाथ का खाना तो वाकई बहुत मज़ेदार होता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर हम चले हैं वापस अपने घर की तरफ, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ईशा, हमारी मुन्नी प्यारी सी, बहुत प्यारी ईशाल। और यहाँ हम चले गए हैं, चल रहे हैं हमारी बाइक, हम बाइक पे थे और हम रवाना हुए अपने सफ़र पे, और हम गए और हम आ गए वापस आ गए हम अपने घर पर। औरंगी टाउन हमारी रिहाइश है, और हम वहाँ आ गए हैं, और मेरे मियाँ जी कह रहे थे, और हम चलते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे, काफ़ी सारी बातें करी। और खाना खाने के बाद सब बहन भाई साथ बैठे, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें करी। आपको तो पता ही है, जब सब बहन भाई साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। उसके बाद छोटी सिस्टर ने बनाई चाय, और फिर चाय वगैरह पी के बातें करके फिर सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर हम हो गए सफ़र पर रवाना। और यहाँ हम जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे। और यही, अच्छा, उम्मीद है कि आप सबको मेरी ब्लॉग, उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत अच्छा लग रहा है सब शेयर करके, और इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का प्यार से बहुत कुछ आगे, मतलब आप लोग पसंद करेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।